गुड एंड वेरी गुड। आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके यूटी टू स्टार्ट होने वाले हैं, है ना? तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा आपके चैप्टर का रिवीजन होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे चैप्टर्स का। तो हमारे चैप्टर्स में जो टॉपिक आ रहा है वह सब्ट्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने एडिशन करना सीखा था, इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फर्स्टली आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट नंबर हो वो ग्रेटर होना चाहिए, देन सेकंड नंबर स्मॉलर। क्योंकि स्मॉलर नंबर से हम ग्रेटर को कभी भी माइनस नहीं कर सकते। सपोज दैट आपके पास दो पेंसिल है, तभी आप अपने फ्रेंड की मदद कर सकते हैं एक पेंसिल देकर। अगर आपके पास एक ही पेंसिल होगी तो अपने दोस्त को कैसे देंगे एक पेंसिल, नहीं दे सकते ना। ठीक इसी तरह सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि नंबर ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम उसमें से सेकंड नंबर को माइनस कर सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 31। 12 को फ्रॉम मतलब 12 को माइनस करना है 31 के। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू, टेंस वास। अब इसमें ग्रेटर नंबर 35 है, इसको आपको पहले लिखना है, देन 12 को नीचे और फिर हम कर देंगे माइनस। आपको आता ही है माइनस करना, 5 - 2 - 3, 3 में से 1 - 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन पे आते हैं, क्वेश्चन होगा फाइंड द डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन को कई नामों से बुलाया है, एडिशन को भी कई नामों से बुलाया जाता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को एक तो पहला वर्ड हो गया ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्शन को पहले तो कहा जाता है माइनस, देन दूसरा हम कह सकते हैं डिफरेंस। तो फाइंड द डिफरेंस का मतलब भी होता है सब्ट्रैक्शन, आपको इस नंबर में से इसको माइनस करना है। आप क्या करेंगे, अगेन आपको कॉलम बनाना है और फिर हम उसे वैल्यूज को पुट करेंगे और माइनस। अब यहां पे देखिए कि हमारे पास जीरो है, तो नंबर इज स्मॉल, तो हम जीरो में से तो एक को माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है उससे हम 1 कैरी लेंगे। जैसे ही आप कैरी लोगे तो जो 6 है यहाँ पे 5 बच जाएगा और जो 0 है वो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 1 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 2, क्योंकि अब 10 हो गया ग्रेटर। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आया 42। तो ये रहे आपके दो मेथड, और ये सिंपल मेथड को ब्रेक करना है। 20 - 15, तो 20 फर्स्ट नंबर को आपको एज इट इज लिखना है, -10 - 5। अब इन दोनों नंबर को आप एक साथ ग्रुप में ले लीजिए, 20 - 10 - 5, 20 में से 10 - 10 और फिर 10 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, आंसर आया 5। तो ये आपका क्विक मेथड है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बट आपको जो भी मेथड इजी लगेगा आप उसे एग्जाम में राइट डाउन करें। अब नेक्स्ट आता है, अभी तक तो हमने 2 डिजिट नंबर्स को माइनस करना सीखा था, अब हम 3-4 डिजिट को माइनस करना सीखेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमें पहले तो चूज करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, दिस नंबर इज ग्रेटर, पुट द वैल्यू इन प्लेस वैल्यू, 1000, 100, 10, 1। यहां पे देखिए मैं नंबर को शो कर रही हूं जो ग्रेटर नंबर है और फिर मैं उसे माइनस कर दूंगी। अब ये देखिए आपको जब भी माइनस, मैंने बताया था जब भी माइनस या एडिशन करते हैं हम हमेशा राइट हैंड साइड से करते हैं, तो आपका राइट हैंड साइड 3 है, तो 3 बहुत स्मॉल नंबर हुआ है कंपैरिजन टू 4, तो माइनस तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो उसके नेबर में 6 है ना उससे हम एक कैरी ले, कैरी लेते ही ये 13 हो जाएगा और यहाँ पे ये कट करके यहाँ पे क्या बचेगा, 5। तो 13 में से 4 - 9, अब यहाँ पर से 5 बचा, तो 5 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, अगेन हमें एक कैरी लेना पड़ेगा 2 से,
तो हमारे पास ये हो गया 15 15 में से 7 माइनस किया 8 अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 4 में से 3 को माइनस किया 1 तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस तरह से आपको कैरेज वाले में माइनस को करना है अब आते हैं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आप एक शॉप पे आप एक शॉपकीपर हैं आपके पास टोटल जो बुक है वो 470 बुक्स एक स्टूडेंट है उसने कहा मुझे 30 बुक्स दे दीजिए कितनी बुक्स उसको चाहिए 30 अगर वो 30 बुक्स वहां से परचेज करके ले जाता है देन उसके पास कितनी बुक्स बची इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी टोटल नंबर ऑफ बुक्स 470 नंबर ऑफ बुक सेल कितनी बुक सेल हो गई 30 अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 440 कितनी बुक शॉपकीपर के पास बच गई ओके स्टूडेंट इस तरह से आपको अपने चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है और आपको मैं एक वर्कशीट सेंड करूंगी जिसे आपको नोटबुक में करना है और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए ध्यान से कीजिए साफ साफ नीट एंड क्लीन वर्क डन कीजिए ओके स्टूडेंट